सनी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने आए थे, मतलब पछता रहे हैं। क्या खतरनाक मैस कर रखा है रूम को, तो बैठने की जगह बहुत भी है नहीं, पूरा पैसा ऊपर छोड़ के आ गए। तो ये सारी ज्वेलरी जो है ये गोल्ड की ज्वेलरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो यार, रात हम काफी ज्यादा मस्ती करके आए, थोड़ा लेट पहुंचे थे। और रात की जो हमारी ट्रिप थी वो थी हमारी क्रूज की। हमने लग्जरी याच बुक किया था जिसमें बाकी में बहुत ज्यादा फन आया। तो अभी हम थोड़ा लेट उठे, अभी बजे हैं 9 और ये हमारा तीसरा दिन है दुबई में। और मेरे पीछे का व्यू देखो, क्या वंडरफुल व्यू है। तो हमने कल दूसरे होटल में चेक इन किया है। इस होटल का नाम है द टावर प्लाजा और शेख जायद रोड पे। तो ये रोड वैसे यहाँ की सबसे हैपनिंग रोड है। तो दो दिन हमें काफी अच्छे रहे, मस्ती की बहुत ज्यादा, हमने 2 से 3 एक्टिविटीज कर ली है। कल भी हमारी 2 एक्टिविटीज थी, तो आज की भी हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें कि हम एक इंक्लूड करेंगे द फ्यूचर म्यूजियम जो दुबई में, आई थिंक वो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल हमारे होटल के नीचे ही है। तो सबसे अच्छी बात ये कि जो हमारा होटल है उसके बिल्कुल सराउंडिंग में ही अच्छे अच्छे लैंडमार्क्स है, जैसे कि बुर्ज खलीफा बिल्कुल सामने है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बुर्ज खलीफा बिल्कुल पीछे इस तरह, ये बुर्ज खलीफा है, ये देखिए बिल्कुल सारा सामने ही दिख रहा होगा आपको, ये बुर्ज खलीफा है। एंड इसके बिल्कुल ही साथ में ये हमारा आ जाता है म्यूजियम, बिल्कुल ये तो बिल्डिंग के बिल्कुल ही नीचे है हमारी। तो ये बढ़िया पार्ट है हमारे होटल का। तो अभी हम उठे हैं और उठ के थोड़ा सा भूख लगी है, तो सोचा चलो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके आते हैं। लास्ट होटल में हमारा ब्रेकफास्ट अवेलेबल नहीं था, उसमें इंक्लूड नहीं था, इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो ब्रेकफास्ट करने हम निकल रहे हैं। ये सनी, सनी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने आए थे, मतलब पछता रहे हैं कि इतने दिन हो गए, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है पढ़ने का। बर्थडे खत्म नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये देखो यार, कितना मैस कर देते हम, ये लड़कों की यही गलत बात होती है। ये देखो क्या खतरनाक मैस कर रखा है रूम का। और मैं आपको अपना व्यू दिखाता हूँ, जब मैं रात सोया हूँ ना, मैं इस व्यू को एंजॉय करके सोया हूँ। ये मैंने अपना बेड यहाँ लगवाया, मैंने उनको बोला भाई मेरे को बेड यहाँ चाहिए, और सामने क्या अल्टीमेट व्यू लगाया। ये देखो, ये मेरा बेड है, यहाँ सोया हूँ, बिल्कुल व्यू को एंजॉय करते हैं। रात में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और तो ये है रोड यहाँ की, आगे रेस्टोरेंट में, बट अभी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और जो टाइम है ना, एक्चुअली मुझे लगता है वो पीक टाइम है अभी, तो सब अभी आ ही गए हैं एक साथ। और रेस्टोरेंट वैसे काफ़ी बड़ा है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी अच्छा है। तो बैठने की जगह बहुत भी है नहीं, तो इसलिए मैं बैठा हूँ, ये दो लोग लेकर आएंगे, फिर मैं भी अपना फूड लेने जाऊँगा। फूड तो काफ़ी सारा है ब्रेकफास्ट में ऑप्शन देखा जाए तो, ये एक परफेक्ट आज ब्रेकफास्ट होने वाला हमारा, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा लास्ट तक है। तो काफ़ी सारा यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने ले लिया अपना, और मैंने लिया है ये, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं लिए अभी, क्योंकि वेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है और नॉन वेज में ज़्यादा है। पैनकेक, बीन्स है, और ये कॉर्नस हैं, और ये उपमा है, एंड ये कोई फ्रूट है, ये मुझे उसका पता नहीं, तरबूज की तरह लग रहा है। तो चलिए करते हैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय पहले। तो ब्रेकफास्ट करके आने के बाद हम लगातार 2 घंटे सो गए थे, और अभी टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। आज का जो दिन है हमारा, वैसे कुछ एक्टिविटी वगैरह हमने की नहीं है, हम लेट उठे और उसके बाद फिर से ब्रेकफास्ट करके फिर से सो गए। और ये देखो सनी तो अभी तक सो रहा है, और तिवाना अभी नहाने गया है, और मैं तो अभी सो के उठा हूँ, मेरे को भी नींद आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नींद तो नहीं आई है। उसके बाद मैंने एक अच्छी सी बात ली बाथ टब में गर्म पानी से, तो काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है अभी, और बाहर काफ़ी धूप भी लग रही है, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ओपन में घूमने का मन है नहीं। तो म्यूजियम, जैसे वो म्यूजियम मैंने बताया था कि मॉर्निंग में हम म्यूजियम जाएंगे, बट जो हमें टिकट्स है वो मिले हैं 5 बजे के। तो यहाँ क्या है कि यहाँ डायरेक्ट जाने से या ऑनलाइन कहीं भी टिकट्स अवेलेबल है ही नहीं, सारे सोल्ड आउट है अगले 1 महीने तक। तो मैंने चेक किया था जनवरी तक के सारे टिकट सोल्ड आउट है। तो फिर हमने होटल वालों को बोल के अरेंज कराए हैं, उन लोगों ने हमसे डबल प्राइस लिया है, और हमें जो करंट में इसके प्राइस पड़े हैं वो 300 दिराम पड़े हैं। वैसे एक्चुअल में इसका 149 या 150 के करीब इसका प्राइस होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, होटल वाले इनको खरीद लेते हैं, फिर वो डबल प्राइस में भेज देते हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्यूपेंसी जनवरी तक तो है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, होटल वाले इनको खरीद लेते हैं, फिर वो डबल प्राइस में भेज देते हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्यूपेंसी जनवरी तक तो है नहीं। कम्प्लीट है, तो देखते हैं अभी क्या प्लान है, ऐसा कुछ सचेस प्लान है नहीं। 5 बजे का इसका टूर है, और उसके पहले हमारे पास 2-3 घंटे पड़े हैं, क्या करना है क्या नहीं करना अभी कोई प्लान है नहीं ऐसा। मेरे को तो और भी थोड़ी थकान आने के बाद ही मैंने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो अभी ये कॉफ़ी और ये ब्यूटीफुल व्यू, तो कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं पहले। तो मैंने तो एक अच्छी सी मस्ती कॉफ़ी पी, अभी थोड़ा सा एक्टिव लग रहा है मुझे, और अभी हम होटल से निकल गए हैं, एंड सामने हमें जाना है यहाँ पर, बट अभी नहीं, यहाँ हमें जाना है 5 बजे करीब, क्योंकि जो हमारे टिकट्स हैं वो 5 बजे की है। तो अभी हम जा रहे हैं डायरा की तरफ, मुझे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ परफ्यूम्स वगैरह और चॉकलेट्स वगैरह खरीदनी थी, तो डायरा जाते हैं अभी। 3 घंटे है पूरा, 2-2.5 घंटे वहाँ लगेंगे, वहाँ से शॉपिंग करके फिर हम आएँगे,
यहाँ पे म्यूजियम में। और उसके बाद हमारा कुछ ऐसा जब भी कोई प्लान है नहीं कि हमने जाना कहाँ है, वो देखते हैं क्या चलता है क्या होता है हमारा प्लान। और तिवाना को लग गई थी भूख क्योंकि ब्रेकफास्ट किए हुए अराउंड हमें हो गए हैं 5 से 6 घंटे। भैया बर्गर किंग देख लेते हैं फिर। बर्गर किंग में मैगी आ गई है। सनी को आने देते हैं फिर वो ढूंढता रहेगा। ठीक है तो सनी अभी ऊपर ही है, वो आ रहे हैं, इतने हम बैठ लेते हैं कि कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख मुझे भी लगने लगी है। और मौसम अच्छा है यार यहाँ का, अभी आज हमने रेस्ट भी काफ़ी किया है, वैसे रेस्ट बहुत किया हमने। और यहाँ पर अभी हमारे इस होटल में पूल में भी नहीं गए, पूल में भी हम जाएंगे। तो 2 दिन बचे हैं खाली हमारे पास, देखते हैं क्या और एक्टिविटी हम करेंगे। तो धीराम लिया था, धीराम ऊपर ही पड़ा था। नहीं तू भी नहीं लाया, तू भी नहीं लाया, तुम्हारे पास ही है पैसे। पूरा पैसा ऊपर छोड़ के आ गए। तेरे पास कितने पैसे हैं? चल अभी वो तो है पर्स में, वो कर लेंगे। आ जा निकल पड़े हैं। और सारी की करेंसी जितनी भी हमने एक्सचेंज कराई थी वो सारी रूम पर छोड़ के आ गए। तो तिवाना गया है करेंसी लेने के लिए, एंड अभी हम नीचे वेट कर रहे हैं। और हम पीछे गए थे भी कॉफ़ी पूछने के लिए, बट वहाँ पर कॉफ़ी थी नहीं। तो आगे एक मैकडी है वहाँ से हम ट्राई करेंगे, सॉरी बर्गर किंग। बर्गर किंग में काफ़ी ऑप्शन मिल जाता है, बीके कैफे में थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन दुआ रहा है। तो ये देखिए सामने का व्यू कितना प्यारा है। और ये हमारा होटल है, ये ताज प्लाजा होटल। टोटल मिला के इसमें 61 वो है फ्लोर्स, तो काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। हम जा रहे हैं गोल्ड सुख मार्केट क्योंकि अभी कॉफ़ी पीने बैठे थे तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए हमने प्लान अपना चेंज किया है। तो अभी हम निकल गए हैं गोल्ड सुख मार्केट के लिए। यहाँ से हार्डली 20 से 25 मिनट लगेगा, वहाँ का पार्क का पहले काम ख़त्म कर लेते हैं और आधे एक घंटे में वहाँ से फिर वापस आ गए, फिर हम म्यूजियम वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा प्लान चेंज हो गया। अभी हम आ गए हैं गोल्ड सुख मार्केट में, एंड ये मार्केट काफ़ी बड़ी है वैसे। तो देखते हैं अभी हमें कहाँ जाना है। तो मुझे छोटा सा कुछ गोल्ड का ख़रीदना था अपने लिए। तो जहाँ यहाँ पर क्या है कि गोल्ड सुख मार्केट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, दुबई की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है। तो यहाँ पर काफ़ी मेकिंग चार्जेस, काफ़ी शॉप्स है जो मेकिंग चार्जेस जीरो भी देती है। और यहाँ का गोल्ड तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, बिल्कुल प्योरिटी अच्छा रहता है। तो लास्ट टाइम मैं लेकर भी गया था। तो ये देखिए मैं मार्केट में आ चुके हैं। ये अभी ओल्ड सुख मार्केट है और इसके पीछे है गोल्ड सुख मार्केट। हेलो, वेयर इज द गोल्ड सुख मार्केट? दिस वे। ओके थैंक यू। आगे चॉकलेट्स वगैरह लेंगे यहाँ से। तो पहले मैं लास्ट टाइम लेकर गया था। तो ये मार्केट वैसे रात में घूमने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी हैपनिंग रहती है। चलिए हम पहुँच गए गोल्ड सुख के गेट नंबर 1 पे। तो ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है गोल्ड वाली। तो काफ़ी क्राउड रहता है वैसे यहाँ पर। दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी आप ले सकते हो। ये सारी ज्वेलरी जो है ये गोल्ड की ज्वेलरी है, तो ये बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है। ये बिल्कुल प्योर। गोल्ड की चैन और कितनी सारी ज्वेलरी है, ये बिल्कुल प्योर गोल्ड की है। और ये कितना सारा ऐसे टांगा हुआ जैसे आर्टिफिशियल चैन होती है, सेम उसी तरह की। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने कुछ गोल्ड चैन खरीदी थी जिसमें मुझे 0% अरे कहना क्या चाहते हो 0% का मेकिंग चार्जेस देने पड़े थे। वो शॉप अभी मुझे याद है नहीं वो है कहाँ पर एग्जैक्टली। तो देखते हैं थोड़ा घूमने के। ये सारी ड्रेसेस गोल्ड की ही है। काफ़ी देर लगी थी तो अभी हमने शेक ऑर्डर किया कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें जल्दी यहाँ से निकलना भी है। तो खाने में भी हमने कुछ ऑर्डर किया नहीं है फूड, तो हम यहाँ से शेक पियेंगे। 24 गोल्ड के नाम से ये शॉप है। तो शेक हमने ऑर्डर कर दिया मैंगो का, और मैंगो मानिए हमने किया इनके पास सारे ऑर्गेनिक, ये तुरंत ही बनाते हैं ऑर्गेनिक उससे फ्रूट्स वगैरह से। तो देखते हैं ट्राई करके।
ये हमने खत्म कर दिया क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा लगी थी, ज्यादा टाइम भी नहीं था, तो सबने मुश्किल से 2 मिनट लगाए इसको खत्म करने, बट इसका फ्लेवर काफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा था। मैं आया हूँ यहाँ पर अनवर लग्जरी ज्वेलरी पर। अनवर लग्जरी ज्वेलरी पर इनके पास एक मेकिंग चार्जेस जो वो 0 मेकिंग चार्जेस में, और मुझे यहाँ पर एक ब्रेसलेट मुझे वाली के लिए एक खड़ा मुझे पसंद आ गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, काफी ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये जो है गोल्ड सेंटर पॉइंट है, गोल्ड सेंटर बिल्डिंग के अंदर ये अनवर लग्जरी जो है, इनके पास क्या रहता है कि 0 मेकिंग पे रहती है सारी जो ज्वेलरी रहती है। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि अगर आप आते हो यहाँ से लेते हो तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देना, जितने भी ज्वेलरी है सभी पर। और जगह होता है क्या कि यहाँ पर मार्केट तो बहुत बड़ी है, बट हर कहीं पर 0 मेकिंग चार्जेस नहीं है, बट अगर कहीं पर है भी तो हर एक प्रोडक्ट पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली हर प्रोडक्ट पर मिल जाएगी, तो ये बेनिफिट है यहाँ पर। बस डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो ये देखिएगा। तो भीड़ भी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रहती है, इनकी काफ़ी वीडियोज़ भी ऑनलाइन गई हुई है, एंड मुझे जो पसंद आई है शिवानी के लिए कड़ा, मेरे को ये कड़ा पसंद आया, ये वर्सेस डिज़ाइन वाला, तो ये मैंने बाय किया है। और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी 2.4 का साइज़ है, और काफ़ी हैवी सा दिखने में लग रहा है, और काफ़ी परफेक्ट एकदम, बिल्कुल परफेक्ट एकदम ट्रेंडी लुक है। तो बाकी देखिए कलेक्शन, देखिए इनके पास कलेक्शन, तो इनके पास काफ़ी अच्छा अच्छा जो है। मेरे पास कुछ करेंसी की कमी पड़ गई थी अराउंड 1000 दिरहम की, तो मैंने सनी और तिवाना को भेजा है, वो करेंसी एक्सचेंज कराने गए हैं, बस अभी हमारी बिलिंग हो जाएगी, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। अगर मैं करंट रेट की बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे इंडिया में अराउंड 60 के करीब चल रहा है, 59 और 58, तो यहाँ का जो करंट प्राइस है दुबई का, करंट में 54 समथिंग चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 55,500 इंडियन रेट के हिसाब से, तो 3-4 हज़ार का फ़र्क है, बट ये कि प्योरिटी अच्छी होती है, तो इसलिए ज़्यादा यहाँ से बाय करना प्रेफर करते हैं लोग। तो ये देखिए शॉप तो इनकी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी टाइम हो गया है, वो लोग आए नहीं है अभी। ब्रेसलेट मैंने ले लिए और बस इसकी बिलिंग हो गई है यहाँ पर, चलिए शॉपिंग हो गई है गोल्ड की अपनी यहाँ से, और अब हम निकलते हैं यहाँ से बहुत ही जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और आधा घंटा यहाँ से जाने में लगेगा। सनी और तिवाना मेरे बाहर वेट कर रहे हैं, तो अब हम जाएंगे द म्यूज़ियम, फ्यूचर म्यूज़ियम, और बहुत जल्दी हमें पहुँचना है, कैब कर लेते हैं जल्दी। मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।